दोस्तों अंग्रेजी में कहावत है व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, और हमारे आज के जो मेहमान हैं इनके केस में इट हैज बीन रेनिंग सॉरी पोरिंग सक्सेसेस, एक के बाद एक हिट और सुपरहिट। मैं बात कर रहा हूं पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार दलजीत दोसांझ और सुपर डायरेक्टर अनुराग सिंह के बारे में। हाल ही में इनकी पंजाबी फिल्म रिलीज हुई है पंजाब 1984, जो अब यानी तीसरे हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। तो आइए मिलते हैं, पहले वेलकम करते हैं दलजीत दोसांझ और अनुराग सिंह को। वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सर। हिट्स और सुपरहिट्स की आदत सी पड़ गई है? नहीं सर, आदत की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, वो ये हो जाता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है टीम से। सो हर बार वो एक्स्ट्रा मेहनत की आदत जरूर पड़ गई है कि एवरी टाइम वी हैव टू ट्राई एंड बेटर आवरसेल्व्स। तो वो सिलसिला जारी है, बट सुपरहिट हु कैन गेट, नहीं वो यू कांट टेक इट फॉर अनुराग जी। जो भी फिल्म बनाता है, कोई भी काम करता है, मेरे ख्याल से मेहनत तो सब लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हिट्स और सुपरहिट्स आप दोनों के हिस्से ही इतनी बड़ी बड़ी हिट्स और सुपरहिट्स आती है, इसका क्या राज है? कुछ फॉर्मूला है आप लोगों के पास, कुछ जादुई चिराग है या क्या है? नहीं सर, कोई फॉर्मूला नहीं है। हम लोग उतनी ही मेहनत करते हैं हर प्रोजेक्ट पे। एक चीज़ ज़रूर हम खास तौर पे ध्यान रखते हैं कि हमारी टीम के सारे लोग ही कि नीयत साफ रखते हैं, कि वी आर जस्ट डेडिकेटेड टू आवर वर्क एंड वी ट्राई एंड बी ऑनेस्ट टू एवरीबडी कि काम ऑनेस्टली करें, अच्छी नीयत से करें। रेस्ट वी लीव इट टू द ऑडियंस एंड टू गॉड, एंड गॉड हैज बीन काइंड। क्या बात है दलजीत जी, आप बताएं, गॉड तो हैज बीन काइंड, द ऑडियंस हैज ऑल्सो बीन काइंड, या ऑडियंस बहुत ही टिपिकल सी होती है एंड माइक्रोस्कोप लेके बैठती है कि यहाँ गलत है यहाँ सही है? नहीं, ऑडियंस प्यार तो करती है, और जो मेहनत करता है उसको प्यार करते हैं, चाहे ABC कोई भी है। जो मेहनत करेगा और सच्चे मन से करेगा उसको सब प्यार करते हैं। और पंजाब में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग बोलते हैं कि पहले कॉमेडी पिक्चर्स चलती थी, तो एक अच्छा सिनेमा देखना जानते हैं सब। यानी अब टेस्ट भी चेंज हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि कॉमेडी ही चाहती है पब्लिक। अभी मुझे लगता है अभी नहीं चेंज हुआ, वो शुरू से ऐसे ही है। कुछ अच्छी चीज़ आएगी तो वो देखेंगे, ऐसे उनको बोल देना कि नहीं हमारी पंजाब की ऑडियंस ही इतनी ख़राब है कि वो कॉमेडी देखती है, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा आना चाहिए, वो देखते हैं। तो अनुराग जी आप बताएं, ऐसा क्यों सोचा जाता था कि पंजाबी सिनेमा तब ही चलेगा जबकि ठूस ठूस के उसमें कॉमेडी डाली जाए, ऐसा क्यों सोचा जाता था? आई थिंक वो ट्रेंड होता है कि भेड़ चाल होती है अपने यहाँ कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जब ये रीसेंट बूम शुरू हुआ पंजाबी सिनेमा में, तो इट स्टार्टेड विद कॉमेडीज। वी आर ऑल्सो वन ऑफ द कल्प्रिट्स इन दैट रिस्पेक्ट, हमारी झटकेट से शुरू हुआ था, तो वो एक कॉमेडी का दौर शुरू हो गया, तो सबको लगने लगा कि शायद यही पसंद करेंगे लोग। बट ऐसा नहीं है, कोई अच्छी फिल्म लाइक ही सेड कि अच्छी फिल्म कोई आएगी चाहे किसी भी टॉपिक पर हो तो लोग ज़रूर उसको एक्सेप्ट करेंगे, एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ आर फिल्म की पंजाब 1984 को लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और उसकी शुरुआत भी एकदम फ्लाइंग स्टार जैसे कहते हैं वो मिली। तो मुझे ये बताइए, जट एंड जूलियट टू बनाने के बाद जो हाई ऑन कॉमेडी थी, आप लोगों ने कैसे सोचा कि पंजाब 1984, जो कि पंजाब में 1984 में जो टर्मोइल हुआ था उस पर आधारित है, कैसे सोचा कि इस किस्म की फिल्म बनानी चाहिए? बिकॉज जनरली स्पीकिंग मेकर्स एक्टर्स क्या चाहते हैं कि जो ट्रैक पर वो चले हैं, और अगर वो ट्रैक सक्सेसफुल है तो नोबडी वॉन्ट्स टू गेट ऑफ दैट ट्रेन। वो सोचते हैं कि जितनी बन सके उतनी फिल्में बनाओ ताकि सक्सेस का फॉर्मूला जारी रहे। तो ये कैसे आप लोगों ने डिसीजन लिया कि कॉमेडी से हट के एकदम एक सीरियस ड्रामा वाली फिल्म बनाई जाए? सर ये सब्जेक्ट ऐसा है कि हम लोग बहुत पहले से करना चाहते थे, हमारी अक्सर बात होती थी इसके बारे में, इवन जट एंड जूलियट 1 के रिलीज़ होने से पहले ही हमारी बात होती थी कि यार इस सब्जेक्ट पे जब भी कभी हमें प्रोड्यूसर मिल जाएगा, कोई पैसे लगाना चाहेगा, तो हम ये सब्जेक्ट पे ज़रूर करना चाहेंगे। वो अलग बात है कि उसको होते होते बीच में दो फिल्में निकल गई, एक जट एंड जूलियट और जट एंड जूलियट 2, और फिर जाके हमारी टीम पे लोगों को इतना विश्वास हो गया कि इनको करने दो जो भी इनका मन करता है। तो वो लकीली हमारी किस्मत थी, एंड ऑल्सो ये भी फैक्टर था कि विद दिस काइंड ऑफ सक्सेस अगर हम अब नहीं करते ये तो शायद फिर कभी मौका मिलता कि नहीं मिलता, वी डोंट नो। सो दिस वाज आई थिंक द राइट टाइम ये अटेम्प्ट करने का, एंड वी आर जस्ट ग्लैड कि प्रोड्यूसर्स ने जो फेथ दिखाया हम पे, दे हैव बीन रीपेड फॉर दैट, एंड वी आर जस्ट हैप्पी कि हम इस सब्जेक्ट पे फिल्म बना सकें। तो दलजीत जी ऐसा तो नहीं कि अब दलजीत दोसांझ अगर फिल्म में है तो ब्लाइंडली फाइनेंशियल फाइनेंस देने को तैयार हो जाए, या फिर अनुराग सिंह जिसके डायरेक्टर है कि चलिए भाई ये डायरेक्टर है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाएंगे, बहुत बढ़िया ही बनाएंगे, तो फाइनेंस खुद ब खुद चल के आने लगा है? फाइनेंस तो सर जब पहले हिट हुई थी पिक्चर जट एंड जूलियट, तब से फाइनेंस तो चलो आ रहा है,
पिक्चरों में लग जाता है फाइनेंस भी. तो अभी हाँ प्रोड्यूसर थोड़ा फेथ तो करते हैं कि अच्छा इनको लिया है तो ओपनिंग ओपनिंग लग जाएगी. थोड़े शर्मा रहे बोलने के लिए कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ. तो ओपनिंग लग जाएगी और ये टीम एक अच्छी पिक्चर बनाएगी. इतना तो हमने कमाया, नाम कमा लिया, इतना तो कमाया. मगर मुझे ये बोलिए, कॉमेडी फिल्म में काम करना ज़्यादा आसान है या इस किस्म की सीरियस ड्रामा वाली फिल्म? टफ तो दोनों है, लेकिन नो डाउट 1984 टफ सी. इट वॉज अ वेरी एग्जॉस्टिंग, वेरी टफ एक्सपीरियंस, बट वेरी सेटिस्फाइंग. बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई काम करके. जो स्पेशली जब ऑडियंस का इस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है आपको, ऑडियंस ने जो हमें मैसेजेस भेजे हैं कि हम पहले भी फिल्म की रिलीज से पहले ही हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए. क्योंकि इस तरह की फिल्म में फीडबैक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन नंबर्स. हमें फीडबैक में ज़्यादा इंटरेस्ट था कि लोगों के रिएक्शन क्या है, लोग फिल्म के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं. तो वो जो रिएक्शंस हमें आए हैं, दे हैव बीन सो टचिंग कि इट्स बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दैट वे. तो वो जितनी भी मेहनत हुई थी, जो भी हमें तकलीफें कह लीजिए या जो भी हमें गुजरना पड़ा जिस भी चीज़ के थ्रू, वर्थवाइल. या एब्सोल्युटली. तो ऐसी फिल्म जब आपने बनाई, इसके ग्रीन ट्रायल्स भी हुए कि रिलीज से पहले अलग अलग किस्म के लोगों को बुला के दिखाई गई फिल्म एंड उनके फीडबैक पर कुछ चेंजेस करने पड़े या ऐसा कुछ? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. नो नो, आई थिंक हमारी पहली ऑडियंस जो थी, जो आउटसाइड ऑफ दो इमीडिएट टीम है, उसके बाहर अगर किसी ने देखी तो वो सेंसर बोर्ड ने देखी थी. उससे पहले हमने किसी को नहीं. अच्छा, मतलब आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जो बनी है वो एक्सेप्ट हो जाएगी या कुछ रिजर्वेशंस थे? एक्सेप्टेंस का हमें वो तो कोई गेस नहीं कर सकता. लाइक आई सेड कि देयर इज नो फॉर्मूला. हाँ, ये जरूर था कि जब हमारी टीम ने बैठ के हम लोगों ने फिल्म फाइनल प्रोडक्ट देखा तो हमको इतना था कि यार फिल्म अच्छी है. Correct. अब लोग उसको कितना एक्सेप्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, दैट वी डिडंट नो, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. लेकिन मैंने कहा था कि मास्टरपीस है. मैंने देख के बोला था पाजी को कि ये मास्टरपीस है, आपने जट एंड जूलियट 1-2 बनाई है, लेकिन आप इस तरह के डायरेक्टर हो जो ऐसी पिक्चर बना सकता है. तो ये क्या मतलब, क्या लगा आपको फिल्म देखने के बाद कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी? मैं जब पिक्चर मैंने खुद देखी तो मैं 15-20 बार रोया पिक्चर देख के. और जब पिक्चर काम करने के बाद, काम करने के बाद भी बिना बैकग्राउंड स्कोर के, बिना डबिंग किसी ने की हुई, तो जब वो लड़के ने पिक्चर बंद कर दी, उसके बाद उसने बोला कि पिक्चर बंद हो गई, खत्म हो गई, तो 15-20 मिनट लगे मुझे किसी से बात करने में. इतना टाइम लगा मुझे, इतना इमोशनली मूव हो गया. इतना ज्यादा. तो वो मुझे ऐसा था कि मैं जितना इमोशनल हूँ शायद ऑडियंस उतनी ना हो, या कोई कम हो या ज्यादा हो. थोड़ी कम ज्यादा. एग्जैक्टली. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप इतने हैं तो ऑडियंस जीरो है. ऐसा तो नहीं हो सकता. तो इन दिस रिस्पेक्ट आई बिलीव कि इनकी जो समझ जो है या सेंसिबिलिटी है, दैट इज वो पंजाब की जो टिपिकल ऑडियंस है उसके साथ बहुत मैच करती है. हिज रिसेप्टर्स आर वेरी, हिज एंटेनी आर वेरी शार्प. दे आर मोर इन ट्यून विद द पब्लिक टेस्ट रादर देन मी. मेरा उतना नहीं शार्प है पंजाबी ऑडियंस के मामले में जो है. तो दैट इज वाई जब फिल्म कोई भी हम करते हैं तो फर्स्ट टाइम जब व्हेन ही सीज इट, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो हिज रिएक्शन, बिकॉज उससे मैं जज कर लेता हूँ कि ऑडियंस पंजाब की जो है वो कैसे रिएक्ट करेगी. सो ही इज मोर इन ट्यून विद देयर टेस्ट. तो दलजीत जी, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही एहसास होता है या स्क्रिप्ट पढ़ने पर? आपने जाहिर सी बात है स्क्रिप्ट सुनी होगी या स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो उसी समय एहसास हो गया था कि ये एक मास्टरपीस बन सकती है, या सिर्फ फिल्म देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये कितनी चलेगी या कितनी लाइक होगी? जट एंड जूलियट 2 जब की थी तब मुझे पढ़ के पता चला था कि ये कमाल होने वाला है. अच्छा. और जब 84 पढ़ी, क्योंकि ऐसी पिक्चर हमने की नहीं थी पहले, बिल्कुल सही, तो मैं मुझे टच करती थी पिक्चर, लेकिन इतनी बढ़िया बन के आ जाएगी, इतनी बढ़िया बना पाजी बना सकते हैं इस जॉनर की पिक्चर, ये मुझे पता नहीं था. लेकिन जब मैंने देखा तो मैं कहा ये कमाल हो गया है. इसकी भाषा पंजाबी है, अगर हिंदी में आती तो और भी कमाल होता. मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि जब इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, क्रिटिकल अक्लेम इतना मिला है, पब्लिक इतनी दीवानी हो रही है, इतने अच्छे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कभी आपने ये नहीं सोचा या तो इसे ही वापस हिंदी में बनाई जाए या डब की जाए? क्योंकि आजकल डब पिक्चरों का भी मतलब बिजनेस तो है. सी डबिंग का दैट इज मोर ऑफ अ आई थिंक वो डिसीजन जो है वो प्रोड्यूसर्स का है. और वो इस सिलसिले में बात भी हुई थी कि इसको अगर डब कर लिया जाए तो दे आर थिंकिंग अबाउट इट. अब वो उस पर क्या डिसीजन होता है, आई थिंक अल्टीमेटली उनका खुद का डिसीजन है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. आप खुश रहेंगे या खुश होंगे अगर इस फिल्म को डब किया जाए, या यू वुडंट लाइक इट? ऑनेस्टली
आई एम 50-50 इसको लेके, क्योंकि अच्छा। वो जो लैंग्वेज का कलर है, वो जो पंजाब की मिट्टी की जो लैंग्वेज है, वो जो फील आता है उसमें, जिस तरह के मुहावरे यूज किए गए हैं, जिस तरह के वर्ड्स यूज किए गए हैं, अच्छा। वो हिंदी में तो नहीं आएंगे, वो ट्रांसलेशन में नहीं निकल जाएगा। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म, द लैंग्वेज। वो उस तरह की लैंग्वेज है कि जो नॉर्मली आजकल पंजाबी फिल्मों में भी नहीं आती है। दैट इज बिकॉज इट्स अ पीरियड फिल्म, वो 80s के टाइम की कुछ चीजें उसमें लैंग्वेज में रखने की कोशिश की थी हम लोगों ने, तो वो शायद हिंदी में वो कलर निकल जाए, तो दैट माइट सब्ट्रैक्ट अ लिटिल बिट फ्रॉम द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द फिल्म। उससे ज्यादा प्रिफर मैं ये करता हूँ कि जिन लोगों को नहीं समझ आती है वो सबटाइटल्स के साथ देखें। तो पंजाब में ये सबटाइटल प्रिंट्स आप रिलीज करते हैं या विदाउट सबटाइटल्स होती है? तो विदाउट सबटाइटल्स होते हैं सर, ओवरसीज जो है वहाँ सबटाइटल्स के साथ जाते हैं। ओवरसीज में किस किस्म की रिलीज होती है ऐसी फिल्मों के लिए? वी गेट अ वेरी गुड रिलीज। हमारे वन ऑफ आर प्रोड्यूसर्स जो हैं, दो प्रोड्यूसर्स, एक गुंडीर सिंह सिद्धू जी हैं और एक सनी सिद्धू जी हैं। तो सनी सिद्धू जी और ये, इनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरसीज में काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, तो ये नॉर्मली फिल्म जो हैं अपने उस नेटवर्क के थ्रू ही करते हैं। तो वी गेट अ गुड रिलीज जो मेन टेरिटरीज हैं पंजाब की। इनफैक्ट कुछ ऐसी जगह पर भी रिलीज की है जहाँ पहले कभी पंजाबी फिल्म नहीं हुई थी। अच्छा, दैट ऑल्सो वी हैव ट्राइड दिस। वहाँ भी रिस्पॉन्स बढ़िया है? रिस्पॉन्स अच्छा है। बाकी एग्जैक्ट उसके क्या फिगर्स हैं क्या, दैट आई डोंट नो। आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप फिगर्स में क्यों उलझेंगे? दलजीत जी, ये पीरियड फिल्म है जैसा इन्होंने बताया, 1984 की कहानी है, उसके लिए क्या विशेष मेहनत करनी पड़ी, आपका लुक चेंज करना पड़ा? हाँ, लुक तो थोड़ा चेंज करना पड़ा जरूर। जैसे मैं टर्बन पहनता हूँ वैसे नहीं पहनी, वैसे जैसे 84 में पहनते थे। बात कैसे करते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी, तो मेरी थोड़ी ज़्यादा शार्प रहती है, तो थोड़ा सा सटल किया उसको। तो और एक फ़ायदा था क्योंकि मैं पंजाब गांव से हूँ, मेरी फैमिली गांव की है, मैं गांव में पला बढ़ा हूँ। दोसांझ कला, ये जलंधर एरिया में पड़ता है। अच्छा। तो मैं वहाँ का हूँ, तो मुझे ये मुश्किल नहीं हुई कि मैं शहर से रहने वाला तो था नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ अलग दुनिया में जा रहा हूँ, मैं रहा हूँ गाँव में। तो आप अपने रूट्स में रिटर्न कर रहे थे? हाँ, मुझे लगता था कि अगर मैं 84 में यंग होता तो मैं ऐसा ही होता। तो गांव वाले लड़के ने कैसे सपना देखा कि मैं एक स्टार बनूं? गांव में ज्यादा सपने मुझे लगता देखते हैं लोग। तो कैसे आपके दिल में कैसे इच्छा जागी कि आप फिल्म स्टार बने? ये इच्छा नहीं थी सर। अच्छा। मैं सिर्फ सिंगर बनने की इच्छा थी। हाँ। ये एक्टर बनने की कोई इच्छा नहीं थी सर। तो फिर कैसे ये हुआ? तो अपने आप ही हो गए बस सर, ऐसे ही बस फिल्मों में आया तो लोग बोले कि आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, और मुझे पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी इस पिक्चर में भी मैंने जो फील किया वो मैंने किया, लोग बोला आप अच्छी एक्टिंग की आपने, तो पता नहीं अब तो ऐसे ही चल रहा है। अनुराग जी, आप कुछ इस पर रोशनी डालिए। सी, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि ही डजंट नो व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। तो उससे क्या होता है कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी व्हाइल ही इज डूइंग इट। तो करने के बाद ही रियलाइजेस कि यार अच्छा ये भी मैं कर सकता हूँ। And I think that's a good part about his personality, that is an endearing quality ki वो एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है उन लोगों में जिन लोगों को अच्छा आई नो आई एम गुड, वो ओवर कॉन्फिडेंस इनमें नहीं, वो नहीं है। ही नोज हिज लिमिटेशंस और मालूम है कि इतना मैं कर सकता हूँ। एंड उसका रिजल्ट ये भी होता है कि ही इज विलिंग टू ट्राई, ही इज विलिंग टू गिव इट अ शॉट कि मुझे पता नहीं है बट लेट्स ट्राई, देखते हैं कैसा कर सकते हैं। तो दैट इज अ गुड थिंग, सो दैट वे यू लर्न मोर, ही इज विलिंग टू लर्न। तो वो एक अच्छी बात है, अगर आदमी में वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए कि आई नो एवरीथिंग, मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब पता है, कभी कभी तो पर्दे पर ग्रोथ रुक जाती है। फॉर एन एक्टर, फॉर अ परफॉर्मर, इनफैक्ट फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन, ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दलजीत जी, किसी चीज से डर लगता है एक्टिंग के क्षेत्र में कि डांस अगर आ जाए तो मेरे पैर ठंडे पड़ जाते हैं? पंजाबी बहुत करते जी, मैंने रोन तो डर लगता सी, बट इस फिल्म च मैं बहुत वधिया रोया। अच्छा, क्योंकि पिछली फिल्मों में तो आप हंसे ही हंसे और हंसाया ही आपने। हाँ, तो मैं रोया ही नहीं सी, मैंने रोन तो डर लगता सी, मैंने लगता अच्छा मुझे लगता था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो ग्लिसरीन का सहारा लेना पड़ा या कभी कभी ऐसे ही रोना आ जाता? मैं रोता था तो किरण मैम बोलते थे तू ग्लिसरीन ले ले, इतना महान मत बन, देखेगा नहीं तेरा तेरा कैमरे वैमरे पे नहीं देखने वाला। तो किरण खेर जिन्होंने आपकी मम्मी की भूमिका निभाई है। हाँ जी, मतलब तो वो बोलते थे कि थोड़े ले ले ग्लिसरीन, नहीं तो दिखेगा नहीं, थोड़े बड़े दिखेंगे अगर तू लेगा ग्लिसरीन। तो उनके साथ भी काम करके बहुत अच्छा लगा, किरण जी के साथ, पवन मल्होत्रा जी के साथ। और ग्लिसरीन बिना ही आप हर सीन आपने ग्लिसरीन बिना कर डाला? नहीं, मैं रोता था, मुझे लगता है हाँ मुझे रोना भी आ जाता है, मैं पता चला है मुझे, मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं रो सकता हूँ। क्यों, क्या याद करके रोते हैं, बचपन की बातें या
कौन से दुख की बात याद करके रोते हैं आप? नहीं, मैं मुझे तो लगता है कि जो मैं करेक्टर कर रहा था कि मैं यही हूँ और मेरे साथ हो गया ऐसे, में घुस जाते हैं मुझे लगता है ऐसे मेरे साथ हो गया तो बस भी मैं रो जाता हूँ। तो अब रोने के बाद, इतना रोने के बाद, इतना हंसाने के बाद, क्या लगता है सबसे ईजी एक्टिंग का कौन सा हिस्सा है? ईजी, सबसे आसान? सबसे आसान मैं जल्दी से हंसा सकता हूँ, जल्दी से हंसा सकता हूँ, लेकिन आपका चेहरा ऐसा नहीं लगता है कि आप शरारती हैं या कॉमेडियन हैं? बहुत मासूम हूँ सर ऐसे तो, लेकिन मुझे लगता है मैं हंसा तो सकता हूँ जल्दी। हाँ, अगर आप किसी को रोने लगा दो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और डांस वगैरह में वो तो कोई टेंशन नहीं सर, डांस तो पंजाबी सारे वैसे बहुत अच्छा करते हैं, पंजाबियों से अच्छा डांस कौन करता है। उनके बॉडी में रिदम मतलब होता ही पैदाइशी होता, आई थिंक कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस होता है डांस करने का। अनुराग जी, आपने जैसा इन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि अनुराग जी ऐसी पिक्चर बना सकते हैं, तो ये फिल्म बनाने के बाद आपको अब क्या लगता है, योर ट्रू कॉलिंग इज कॉमेडी या दिस काइंड ऑफ? आई वांट टू ट्राई बोथ, आई एम हैप्पी डूइंग बोथ। जट एंड जूलियट दोनों पार्ट वो करके भी उतना ही मजा आया था जितना ये करके आया, ये थोड़ा अलग तरह का मजा था, इसमें थोड़ा कुछ लाइफ के लेसंस भी हैं व्हाइल डूइंग इट, जो लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है वो अलग लेवल पे होता है, जो आपकी टीम के साथ आपका इंटरेक्शन होता है अलग लेवल पे होता है, बट इसका अपना मजा है, उसका अपना मजा है। तो जट एंड जूलियट जैसी फिल्म कितने दिन में आप कंप्लीट कर लेते हैं और इस किस्म की फिल्म में शूटिंग कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, कितने? आई थिंक अल्टीमेटली द नंबर ऑफ डेज जो है वो तो स्क्रिप्ट पे ही डिपेंड करता है, बट जट एंड जूलियट दोनों जो थी हमारी, दैट वाज वो दोनों कुछ आई थिंक 38 टू 40 डेज में कंप्लीट हुई थी। 38 40 ईच। ओके, दिस वन टुक अ लिटिल लॉन्गर क्योंकि इसमें थोड़ा डिटेलिंग और कुछ चीजों का खास ध्यान रखना था, सीक्वेंसेस पे ज्यादा जोर लगना था और थोड़ा एक्शन भी था, उन दोनों फिल्मों में एक्शन नहीं था, इसमें थोड़ा एक्शन भी था, तो एक्शन ऑलवेज टेक्स अ लिटिल लॉन्गर, सो दिस टुक अराउंड 50-52 डेज। ओह, दैट्स नॉट टू मच। और ये सेंसिटिव टॉपिक पर आप फिल्म बना रहे थे, किसी क्वार्टर से कोई ऑब्जेक्शन या किसी की मांग कि ये नहीं दिखाने देंगे, ये गलत है, डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हमारी फिल्म जो है वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड की एक फिक्शनल स्टोरी है, ऑल्दो जो इवेंट्स उसका बैकड्रॉप बने हैं दे आर बोरोड फ्रॉम रियल लाइफ हैपनिंग्स या रियल इवेंट्स से बोरो किए हैं, बट दे आर जस्ट अ बैकड्रॉप। हम इस कहानी के थ्रू एक इमोशनल स्टोरी या एक जो बहुत सारी पंजाब की माएँ हैं जिन्होंने उस टाइम पे अपने बच्चों को गवाया है, जिनके बच्चे घरों को वापस नहीं आए, घरों से गए वापस नहीं आए फॉर वॉट एवर रीज़न, हम सिर्फ उसकी पेन दिखाना चाहते थे, तो उस पेन को दिखाना हमारा मकसद था। हमारा मकसद कोई हिस्टोरिकल एक्यूरेसी कह लीजिए या जो इवेंट्स हैं उनको दिखाना हमारा मकसद नहीं था, सो वी हैव स्टेड ट्रू टू दैट मदर्स पेन एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज कनेक्टेड विद द ऑडियंस। और मदर की भूमिका में किरण खेर, हाँ, वो कैसे सोचा आपने, वो कास्टिंग कैसे की? वो एक्चुअली जब कहानी लिखी तो हमने आपस में बैठ के डिस्कस किया पूरी टीम ने, तो सबके मुंह पे एक ही नाम था कि किरण जी को अच्छा अप्रोच किया जाए। हाँ, हाँ। और ये डर भी था कि अगर किरण जी मना कर देंगे तो किसको लेंगे, बट तो आसान था किरण जी को मनाना। वी वर जस्ट लकी, वी अप्रोच्ड हर, उनको अप्रोच किया, शी सेड कि सेंड मी द स्टोरी, सो आई सेंट हर द सिनॉप्सिस and I think one or two days after that reading that she called back, she said I'm doing it. आप इसको dismiss करना चाहते हैं, we were lucky, you were also talented. वो talent की बात उन्होंने naturally due diligence करके find out किया होगा, तो आप सिर्फ luck पर नहीं बोल सकते हैं, आप लोगों का काम के बारे में उन्होंने find out किया होगा। There are a lot of people who are talented, more talented than us, talented definitely, and successful, but successful. Luck plays an important role in this. Correct. I think we just caught her at the right time. अगर वो कहीं और commitment हुई होती, उनकी busy होते, obviously, तो हम लोग dates नहीं मिलती हमको या क्या होता, बहुत सारे factors होते हैं। You are well aware कि in this line specially luck plays an important role and maybe God's help also. Very so true. Maybe God wanted कि ये film बन जाए अभी इस time पे, time आ गया इस film का, तो शायद वो भी एक फैक्टर रहा है। चलिए, गॉड वांटेड दैट ये फिल्म बन जाए, मेरे ख्याल से ऑडियंस वांटेड दैट ये फिल्म चल जाए और इतनी चले कि तारीफों के पूल बन जाए, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को इस फिल्म के सक्सेस के लिए, इट्स रियली डूइंग वेल एंड बेस्ट पार्ट इज बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो दिखाई दे रहे हैं। साथ में कभी कभी क्या होता है कि एक फिल्म चल जाती है, बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखने को मिलते हैं लेकिन तारीफ उतनी नहीं होती है। पीपल वॉच द फिल्म, ऑब्वियसली दे वुड हैव वॉच, दलजीत दोसांझ हीरो है, अनुराग सिंह डायरेक्टर है, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा हुआ है कि फिल्म देखकर बाहर निकलकर वर्ड ऑफ माउथ इतना पॉजिटिव है, तो आई थिंक द रिपीट ऑडियंस इज ऑल्सो देयर, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी हिट हो रही है, और कितनी बड़ी हिट आगे जाके होती है
वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. थैंक यू सर. तो दोस्तों ये थे हीरो और डायरेक्टर पंजाब 1984 के. एंड ये पंजाब 1984 आगे चल के पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी या वन ऑफ द टॉप मोस्ट हिट्स बनती है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे. बट यस, इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ पंजाबी सिनेमा एज ऑफ टुडे. डोंट बी सरप्राइज्ड इफ इट टर्न्स आउट टू बी द बिगेस्ट हिट. और मुंबई में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, पंजाब में भी चल रही है, ओवरसीज में भी ये चल रही है. इनफैक्ट सभी जगह पर झंडे गाड़ रही है बॉक्स ऑफिस पर. तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, Definitely, you ought to go to the cinema and have a look at this one. Friends, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC Bollywood Business के एक और मजेदार exciting episode में. In the meantime, आपके कोई सुझाव कोई suggestions हो तो please do write in to us at bollywoodbusiness@znetwork.com. And if you have any questions relating to the world of cinema, तो उठाइए अपना mobile phone, type कीजिए BBiz, space छोड़िए type कीजिए अपना पूरा सवाल, space छोड़कर अपना नाम type करके भेजिए 575751. You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahta bidding you goodbye.